मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दो दिवसीय झालावाड़ दौरे पर हैं। चार्टर्ड प्लेन से सीएम पंडित दीनदयाल हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद राजे विशाल काफिले के साथ लड़निया पहुंची। वहां वीर सपूत शहीद मुकुट विहारी मीणा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद सीएम अकलेरा पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई और उनकी समस्याओं को सुना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता हेमराज फोनलाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। जी हेमराज, बताएं। जी आरती, झालावाड़ में आज वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री जब अकलेरा में झालावाड़ हेलीपैड पर उतरकर यहां से सीधा जो कि लड़ानिया जो शहीद परिवार मुकुट मीणा थे उनके परिवार के घर पर पहुंची। इसके बाद में सीधा वहां से झालावाड़ से वापिस अकलेरा के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची और यहां पर सीधे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सीधे कार्यकर्ताओं से जनसंवाद किया। उसके पश्चात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने यहां पर जो लाभार्थी थे जो जिनको यहां पर स्कूटी व कई प्रकार की जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का लाभ दिया गया सीधा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा। उसके पश्चात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहीं जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का वो लोकार्पण किया, जैसे कि झालावाड़ जिले के जो प्रसिद्ध स्थल केल कोयरा धाम है वहां पर जो पुलिया है उसका भी लोकार्पण यहीं से किया गया। हेमराज, जैसे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से जनसंवाद किया, क्या कुछ समस्याएं उनके सामने रखी गई मुख्यमंत्री के सामने और क्या निवारण उनका मुख्यमंत्री ने किया? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सीधे कार्यकर्ताओं से जब वार्तालाप की तो वहीं कई कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को बताई है जी। और उनसे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सीधे किए और उसके पश्चात जो यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों से उन्होंने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो जिस प्रकार जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं का उन्होंने क्रियान्वयन किया और उनको जानकारियां दी गई। जी हेमराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता हेमराज फोनलाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर।